नमस्कार दर्शकों, आज हम कर्मों के फल और उनके भोगने के समय पर चर्चा करेंगे कि कर्मों का फल जवानी में भोगना पड़ता है या बुढ़ापे में। यह एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से मनुष्य को भ्रमित करता रहा है। क्या कर्मों का फल हमें जवानी में ही मिलता है या फिर बुढ़ापे में? मित्रों, हिमालय की तलहटी में एक शांत गांव था जहां राजा रघुवंश नाम का एक महान राजा शासन करते थे। प्रजा उन्हें न्यायप्रिय और दयालु शासक के रूप में जानती थी। एक दिन राजा रघुवंश ने एक ऋषि का दर्शन किया। ऋषि ने राजा को बताया कि उनके पूर्वजों ने कुछ कर्म किए थे जिनका फल उन्हें भोगना होगा। ऋषि ने राजा को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए तो उन्हें भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। राजा रघुवंश ऋषि की बातों से चिंतित हो गए। उन्होंने प्रण लिया कि वे जीवन भर अच्छे कर्म करेंगे। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने, धर्म का पालन करने और प्रजा के लिए न्यायपूर्ण शासन करने का निर्णय लिया। राजा रघुवंश ने कई वर्षों तक अच्छे कर्म किए। उन्होंने अनेक मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। उन्होंने गरीबों के लिए अन्नदान का आयोजन किया और विद्यालयों की स्थापना की। राजा रघुवंश के अच्छे कर्मों का फल उन्हें जल्दी ही मिलने लगा। उनकी प्रजा सुखी और समृद्ध थी। राज्य में शांति और समृद्धि कायम थी। राजा रघुवंश को सभी लोग प्रेम करते थे। एक दिन राजा रघुवंश गंभीर रूप से बीमार हो गए। उन्होंने अपने पुत्र को राजा बनाया और प्रजा से प्रेम और न्यायपूर्ण शासन करने का आग्रह किया। कुछ दिनों बाद राजा रघुवंश का देहावसान हो गया। राजा रघुवंश की मृत्यु के बाद भी उनकी प्रजा उन्हें याद करती रही। उन्हें एक आदर्श राजा के रूप में जाना जाता था। यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने से हमें सुख और समृद्धि प्राप्त होती है, जबकि बुरे कर्म करने से हमें दुख और कष्ट भोगना पड़ता है। राजा रघुवंश के देहावसान के बाद उनके पुत्र राजा दशरथ ने राज्य का भार संभाला। राजा दशरथ अपने पिता की तरह ही न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। राजा दशरथ के 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। इनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी कौशल्या थी। कौशल्या को पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ और व्रत किए। एक दिन ऋषि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। ऋषि ने कहा कि कौशल्या को 1 पुत्र और कैकेयी को 1 पुत्र प्राप्त होगा। कुछ समय बाद कौशल्या ने राम को जन्म दिया। राम विष्णु के अवतार थे। राम जन्मजात गुणवान और पराक्रमी थे। कौशल्या के साथ ही कैकेयी को भी पुत्र प्राप्त हुआ। कैकेयी के पुत्र का नाम लक्ष्मण था। लक्ष्मण राम के छोटे भाई थे। लक्ष्मण भी राम की तरह ही गुणवान और पराक्रमी थे। राजा दशरथ की दूसरी रानी सुमित्रा को भी 2 पुत्र प्राप्त हुए। कौशल्या के साथ ही कैकेयी को भी पुत्र प्राप्त हुआ। कैकेयी के पुत्र का नाम लक्ष्मण था। लक्ष्मण राम के छोटे भाई थे। लक्ष्मण भी राम की तरह ही गुणवान और पराक्रमी थे। राजा दशरथ की दूसरी रानी सुमित्रा को भी 2 पुत्र प्राप्त हुए। इनके पुत्रों का नाम भरत और शत्रुघ्न था। भरत और शत्रुघ्न भी वीर और गुणवान थे। राजा दशरथ ने अपने सभी पुत्रों को समान रूप से प्यार और स्नेह दिया। उन्होंने सभी पुत्रों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करवाया। राम और लक्ष्मण धर्म, नीति और शास्त्रों का अध्ययन करते थे। भरत और शत्रुघ्न राज्य के कार्यों में रुचि रखते थे। हम मित्रों, आप सोच सकते हैं कि कर्मों का फल कितना अच्छा होता है। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमें भी अच्छे ही फल मिलेंगे, जैसे कि राजा रघुवंश को मिला कि उनके कुल में प्रभु श्री राम ने जन्म लिया। जीवन में हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता है। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊपर उठाते हैं और कर्म ही ऊंचाई से उठाकर जमीन पर भी पटक सकते हैं। हिंदू धर्म में माना गया है कि हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही शुभ या अशुभ फल प्राप्त होता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगना पड़ता है। इन फलों का निर्धारण समय खुद करता है, इसलिए व्यक्ति को सोच समझकर ही अपने कर्म करने चाहिए। कर्म नियमों के अनुसार कर्म का योग ही ईश्वर है। व्यक्ति को ईश्वर से नहीं बल्कि अपने बुरे कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपको माफ कर सकते हैं लेकिन आपके बुरे कर्म आपको कभी माफ नहीं करते। हम अच्छे कर्मों के सहारे स्वर्ग में जा सकते हैं, वहीं बुरे के द्वारा व्यक्ति को नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं।
जिस व्यक्ति की सोच जैसी होती है उसके कर्म वैसे ही होते हैं। अगर व्यक्ति अपने कर्मों से ही दोस्ती कर लेता है तो वह हमेशा फायदे में रहता है। कर्म नियमों के अनुसार व्यक्ति को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। ऐसा करने से जिंदगी आपको खूबसूरत मौके देती रहेगी। जो नियमों में बंधकर जीवन यापन करता है वह लक्ष्य की प्राप्ति भी करता है। कर्म को यदि हम पूजा बना लें तो बंधनों से मुक्ति भी संभव है। कर्म वो आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखा देता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी खूबसूरती से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। व्यक्ति को हमेशा ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे वह किसी के काम आ सके। कर्मों की ताकत इतनी है कि इसी के चलते स्वर्ग का सुख ऐश्वर्य भोगने के पश्चात इंद्र को भी अच्छे कर्मों के अभाव में दोबारा योनियों में भटकना पड़ा था। कर्म का फल हर मनुष्य को भोगना पड़ता है। रोहित नामक एक अनाथ बच्चा था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। उसके ननिहाल और पिता की तरफ से भी कोई नहीं था। उसके ना तो कोई आगे था ना कोई पीछे। अनाथालय में रहा और पढ़ा। वह पढ़ने में मेधावी था। उसे आर्मी में नौकरी लग गई और वह एक अधिकारी बन गया। अब सेना के साथ ही रहता, कभी भी घर वापस नहीं आता क्योंकि उसका कोई था नहीं। उसने शादी भी नहीं की थी। उसे जितनी सैलरी मिलती थी वह सब बचा लेता था। आर्मी के कैंटीन में खाता था, वहीं पर रहता था, तो उसका खर्चा भी लगभग ना के बराबर था। तो हम कह सकते हैं कि उसने आज तक जितनी सैलरी पाई सब बचा ही लिया था। उसी कैंटीन में सूरजमल नामक एक सेठ आता था जो कैंटीन के सामान का छोटा सप्लायर था। बहुत दिन हो गए दोनों को एक दूसरे को जानते पहचानते। एक दिन सूरजमल ने कहा, रोहित आपके पैसे बैंक में रखे हैं, मुझे व्यापार में लगाने को दे दो, मैं तुम्हें अच्छा मुनाफा दूंगा। रोहित ने मना कर दिया। रोहित ने कहा, मुझे इतनी ज्यादा पैसे का लालच नहीं है। जो सरकार ने दिया है वह मेरे खाते में पड़ा है। कभी जिंदगी में जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। सेठ ने कहा, यह भी क्या बात हुई, अगर तुम हमें अपना दोस्त मानते हो तो तुम मेरी सहायता ही कर दो, मैं तुम्हें यह पैसा वापस लौटा दूंगा। कम से कम मेरा काम हो जाएगा, अभी इस पैसे की तुम्हें जरूरत भी नहीं है। बात तो सही कह रहे हो, पर आप पैसा वापस करोगे? इसकी क्या गारंटी है? सेठ ने कहा। कसम खाकर कहता हूं धोखा नहीं दूंगा। रोहित ने कहा, सेठ जी लोग तो पैसे के लिए क्या क्या कर देते हैं, पर कोई नहीं, चलिए मैं आपकी बात को मान लेता हूं, कम से कम आपका तो भला हो जाए। सेठ ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और रोहित को गले लगा लिया। पैसा लेने के बाद सेठ जब भी आता रोहित को बहुत बहुत धन्यवाद देता। सेठ का बिजनेस रोहित के पैसों से बढ़ रहा था। आमदनी दिन दुगनी रात चौगुनी हो रही थी। आमदनी बढ़ने के साथ अब सेठ की नीयत में बेईमानी आ चुकी थी। वह अब पैसा ना लौटाना पड़े उसका बहाना ढूंढता रहता। इसी बीच बॉर्डर पर पड़ोसी देश के साथ युद्ध शुरू हो गया और रोहित को भी जाना पड़ा। जहां युद्ध हो रहा था वो इलाका काफी दुर्गम था। वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता अश्व से पहुंचने का था। रोहित एक कुशल घुड़सवार था। उसे जो घोड़ी मिली वो खराब थी। रोहित के पीठ पर बैठते ही सरपट भागने लगी। रोहित उसे काबू में करने की जितनी कोशिश करता वो अपनी गति और तेज करती जाती। रोहित ने लगाम पूरी ताकत से खींचा। घोड़ी का मुंह कट चुका था, पर पता नहीं आज ये घोड़ी कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। घोड़ी भागते भागते दुश्मन के खेमे के सामने जाकर खड़ी हो गई। रोहित दुश्मन की गोलियों का शिकार हो गया। सेठ बराबर आर्मी कैंट में जाता था। उसे वहां पता चला कि रोहित युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। सेठ ने वहां काफी दुख दिखाया और कैंट से बाहर आते ही खुशी से झूम उठा। अब पैसा वापस नहीं करना होगा। सेठ का व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। कुछ दिनों के बाद सेठ की पत्नी मां बनी और सेठ एक सुंदर बच्चे का पिता बना। सेठ के जीवन का यह सबसे बेहतरीन समय चल रहा था। समय बीतते देर नहीं लगती। सेठ का बेटा अमर, जो अब बड़ा हो गया था और अब सेठ के साथ मिलकर व्यापार करता था, अमर विवाह योग्य हो चुका था। अच्छे घर की सुंदर सुशील कन्या देखकर अमर की शादी हो गई। अब सेठ कहता, कुछ दिन की और बात है, अब बेटा व्यापार संभालेगा, मेरी जिंदगी सफल हो गई, और क्या चाहिए मुझे। अमर की शादी हुए मुश्किल से 2 महीने हुए थे। अमर सड़क पार कर रहा था, उसे चक्कर आया और गिर गया। लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाए। उसके ब्रेन का MRI और अन्य टेस्ट हुए तो पता चला अमर को ब्रेन कैंसर है। सेठ ने डॉक्टरों से कहा, पैसे की चिंता मत करें, आप इलाज करें। डॉक्टर और हॉस्पिटल बदलते गए
पर अमर की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। सेठ अब व्यापार पे ध्यान नहीं दे पा रहा था, उसके कस्टमर छूटते जा रहे थे, हॉस्पिटल का बिल बढ़ता जा रहा था। अब सेठ पर कर्ज काफी हो चुका था, सेठ परेशान था। अब अमर को डॉक्टर ने जवाब दे दिया, सेठ हार चुका था। किसी चमत्कार की आशा में बैठा था, चमत्कार तो नहीं हुआ, पर अमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। महीनों जिंदगी की जंग लड़ने के बाद अमर हार चुका था। सेठ के घर में हाहाकार मच गया। सेठ, सेठानी, अमर की पत्नी सब विलाप कर रहे थे, यहां तक कि घर के नौकरों का भी रो रोकर हाल बुरा था। एक साधु उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने करुण क्रंदन सुना तो रुक गए। वहां जाकर उन्हें कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। सेठ गुस्से में बोला, मेरे साथ ही क्यों? साधु ने कहा, सब कर्म का फल है, यही चुकाकर जाना होता है। आज बहुत रो रहे हो, कल तो तुम बहुत हंस रहे थे। सेठ ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। साधु ने कहा, तुमने अपने व्यापार के लिए उधार पैसे लिए थे, जब व्यापार चल पड़ा तो तुमने जिसके पैसे थे उसे लौटाए नहीं। सेठ ने कहा, गलत, वो मर गया था, किसे लौटाता? साधु ने कहा, झूठ नहीं, तुम भूल गए उसके मरने के समाचार पे तुम कितना खुश हुए थे। उस दिन तुमने मिठाई बांटी थी, क्या मिठाई बांटना सही था? तुम उसके पैसे को सरकार को या अनाथालय या किसी जरूरतमंद को दे सकते थे, पर तुमने नहीं दिया, तुम्हारी नीयत में खोट थी। सेठ शर्मिंदा था। आज सेठ वहीं पर खड़ा था जहां पर आज से 20 साल पहले खड़ा था। आज ना तो पैसे थे, ना व्यापार, और ना ही पुत्र और ढेर सारा कर्ज था। साधु ने कहा, यह तुम्हारा पुत्र वही लड़का रोहित था, ये अपना हिसाब करने आया था, हिसाब कर लिया और चला गया। जितना उसने तुम्हें दिया था सूद सहित वापस ले लिया। तुमने उसकी शिक्षा, शादी, हॉस्पिटल सब पर खूब खर्च किया, जब वो गया तुम्हें भिखारी बनाकर गया। सेठ ने सुबकते हुए कहा, मान लिया मेरी गलती थी, इस बेटी की क्या गलती, इससे तो सिर्फ 2 महीने पहले शादी हुई थी। साधु ने कहा, यह इसका कर्म फल था, ये पिछले जन्म में वो घोड़ी थी जिसके चलते रोहित की जिंदगी खत्म हुई। आज रोहित ने बदला ले लिया और इसकी जिंदगी नर्क बनाकर चला गया। जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा है। हो सकता है बीज आपने बहुत पहले लगाया हो और आप भूल गए हो, वही बीज पेड़ बन जाता है, तब हमें पता चलता है। इसीलिए आप कैसा बीज लगाते हो हमेशा याद रखो। प्रकृति हिसाब करती है, आप याद रखो ना रखो, प्रकृति हमेशा याद रखती है। सेठ निरुत्तर हताश घर की सीढ़ी पर बैठा अपने कर्म को कोस रहा था। हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दें। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती पर असर पूरा करती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर। तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने से है, फल तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए कर्म से ना भागना उचित है और ना ही कर्म की फल की आशा रखना उचित है। कुकर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। आधुनिक होने के कारण इस चक्कर में इस सत्य को मत भूल जाना। वर्टिकल बार, लेकिन इस बात को हम समय रहते नहीं समझ पाते। जब तक इस बात का बोध होता है कि जो हमने जो भी कर्म किए हैं उसका परिणाम क्या होगा, वर्टिकल बार, तब तक समय बहुत अधिक बीत चुका होता है। वर्टिकल बार और फिर हमें पछतावा होता है। हम सभी को अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो चाहिए ही, और उसे अपने जीवन में उतारकर अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं, बिना फल की इच्छा किए हम कैसे मेहनत कर सकते हैं। सफल व्यक्तियों, जानकार, गुरुजनों और अपने बड़े बुजुर्गों को आपने अक्सर यह कहते हुए सुना होगा कि जल्दबाजी में किया गया कार्य घातक हो सकता है। इसीलिए किसी भी कार्य में धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि धैर्य ऐसी शक्ति है जिससे व्यक्ति की आत्मा सबल बनती है। लेकिन आजकल लोगों में धैर्य नाम की चीज नहीं है। वे किसी भी कार्य को करने या किसी चीज को प्राप्त करने के लिए धैर्य नहीं रखते, बल्कि उन्हें हर चीज शीघ्र अतिशीघ्र चाहिए होती है। लेकिन वे इस बात को भूल जाते हैं कि यदि जल्दबाजी में कोई चीज मिल भी जाए तो जीवन में उसका महत्व शून्य के समान होता है। जीवन में धैर्य का क्या महत्व है और धैर्य क्यों जरूरी है, इसे जानने के लिए आपको गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी इस कहानी को जरूर जानना चाहिए, क्योंकि धैर्य ना होने के कारण इंसान गलत कर्म करते हैं। धैर्य के महत्व को जानने से पहले जानते हैं आखिर धैर्य है क्या। दरअसल धैर्य, धीरज, संतोष या सहनशीलता ऐसे गुणों में एक है जो हर किसी के पास नहीं होता है।
धैर्यवान व्यक्ति वह है जो कठिन परिस्थिति में भी शांत रहकर सहन करते हुए उसे पार कर लेता है या सही समय आने का धैर्यपूर्वक इंतजार करता है और कोई भी गलत कर्म नहीं करता। गौतम बुद्ध एक बार शिष्यों के साथ गांव से शहर की ओर जा रहे थे। यात्रा करते हुए उन्हें और शिष्यों को थकान महसूस हुई। थकान मिटाने के लिए वे एक झील के पास रुक गए और एक शिष्य को प्यास बुझाने के लिए झील से पानी लाने को कहा। शिष्य बर्तन में पानी लेने के लिए झील के पास गया, लेकिन जब झील के पास पहुंचा तो देखा कि वहां कुछ लोग पानी में कपड़े धो रहे हैं और उसी समय एक बैलगाड़ी भी झील के किनारे आकर रुकी, जिससे कि सारा मिट्टी पानी में घुल गया और झील का पानी गंदा हो गया। शिष्य सोचने लगा कि इतना दूषित और गंदा पानी अपने गुरु के पीने के लिए कैसे लेकर जा सकता हूं, इसलिए वह बिना पानी लिए खाली हाथ ही लौट गया। शिष्य ने गौतम बुद्ध से कहा, गुरुदेव, झील का पानी बहुत गंदा है और पानी पीने के योग्य नहीं है। साथ ही उसने पानी के गंदे होने के सभी कारण भी गौतम बुद्ध को बताए। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ देर यहीं आराम कर लेते हैं। लगभग आधा घंटा आराम करने के बाद गौतम बुद्ध फिर से उसी शिष्य को पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य फिर से बर्तन लेकर झील के पास जाता है, लेकिन इस बार वह देखता है कि झील के पानी में कोई हलचल नहीं है और पानी भी एकदम साफ और पीने के योग्य है। जो मिट्टी पानी के ऊपर दिखाई दे रहा था वह भी अब झील की तली में बैठ गया। शिष्य बर्तन में पानी भरकर गौतम बुद्ध के पास जाता है। बर्तन में साफ पानी देखकर गौतम बुद्ध शिष्य से कहते हैं, देखो कैसे मिट्टी भी अपने स्थान पर चली गई और पूरा पानी साफ व पीने के योग्य हो गया। हमें साफ पानी के लिए कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ा, केवल अच्छे समय का इंतजार करना पड़ा और हमें अच्छा व साफ पानी मिल गया। इससे यह सिद्ध होता है कि भले ही जीवन में कितना भी कठिन समय क्यों ना आए, अगर थोड़ी देर ठहर कर उस मुश्किल समय के बीतने का इंतजार किया जाए तो आने वाला समय अपने आप ही अच्छा हो जाता है। इसलिए जीवन में धैर्य जरूरी है। गौतम बुद्ध की बात सुनकर शिष्य इस अमूल्य सीख को देने के लिए उनका धन्यवाद करता है। अधिकतर पूजा और भगवान को मानने आरती करने वालों की जिंदगी खुशहाल नहीं होती जितनी कि दुष्ट व्यक्तियों की होती है। ये सब देखने के बाद आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठा होगा, लेकिन अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? लेकिन आज के समय में नई पीढ़ी के लोग इस बात को नहीं मानते। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वे धर्म ग्रंथों को पढ़ते नहीं है या फिर लिखी बातों पर विश्वास नहीं करते। धर्म ग्रंथों में भगवद गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें मनुष्यों के मन में उठने वाले प्रसन्न को विस्तार से बताया गया है। भगवद गीता में वर्णित एक कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी तो वे उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन श्री कृष्ण के पास आए और उनसे बोले, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और उसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, अपनी बात को विस्तार से बताओ, तब मैं तुम्हें उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, हे नारायण, कृपा कर आप मुझे ये बताइए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल ही दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या महसूस करता है वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश उसकी सच्चाई को समझ ही नहीं पाता है। श्री कृष्ण की बात सुनकर हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पाया। श्री कृष्ण ने कहा कि सुनो, तुम खुद ही समझ जाओगे। हर प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार ही सुख दुख मिलते हैं, अर्थात जो अच्छे कर्म को करता है उसे अच्छा फल मिलता है और जो बुरे कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म इंसान पर ही निर्भर करता है। यह धरती प्रत्येक को अपनी राह चुनने का मौका देती है, पर इसका फैसला करना कि वह किसके साथ चलना चाहता है यह व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण जी बोले, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहते थे जिनमें से एक व्यापारी था जिसके लिए अपने जीवन में धर्म और नीति की बहुत महत्ता थी। वह पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए वह मंदिर जाना नहीं भूलता था, न ही धर्मदान के कार्य में कोई कमी करता था। चाहे कुछ भी हो जाए वह भगवान की नित्य ही पूजा अर्चना किया करता था।
वही दूसरी ओर उसी नगर का वह दूसरा पुरुष पहले पुरुष से बिल्कुल ही विपरीत था। वह मंदिर तो जाया करता था, पर पूजा करने नहीं, मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के लिए। उसे दान धर्म न्याय नीति किसी से कुछ लेना देना नहीं था। उसका इतना ही काम था कि वह मंदिर जाकर चोरी किया करता था। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन उस नगर में जोर की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उस नगर में पंडित के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चला तो उसके मन में ख्याल आया कि अब यह सही मौका है मंदिर के धन को चुराने का। अब वह बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचते ही उस चोर व्यक्ति ने पंडित से नजर बचाते हुए सारे धन को चुरा लिया और बड़ी प्रश्नता से वहां से निकल गया। उसी समय धर्म कर्म पर विश्वास करने वाला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किया, परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस भले व्यक्ति को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनते ही मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भले व्यापारी को ही चोर समझ बैठे, फिर उसे अपमानित करने लगे। यह सब देखकर वह भला व्यक्ति हैरान रह गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। फिर वह लोगों से बचता हुआ किसी तरह वह मंदिर से निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वहां एक गाड़ी से टकरा गया और वह भला व्यक्ति घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर को जाने लगा। तभी रस्ते में उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चोरी किया था। वह दुष्ट व्यक्ति झूमता और नाचता हुआ जोर से बोल रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन उसे मिल गया। जब व्यापारी ने उस दुष्ट की बातें सुनी तो उसे बहुत हैरानी हुई और क्रोधित होकर उसने अपने घर जाकर भगवान की सारी मूर्तियां निकालकर फेंक दी और भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय पश्चात दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों ही यमराज की सभा में पहुंचे। उस व्यापारी ने उसी दुष्ट व्यक्ति को खड़ा देख क्रोधित स्वर में पूछ ही लिया, मैं हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ दान धर्म में विश्वास करता था, जिसके बदले जीवन भर अपमान और दंड ही मिला, और इस अधर्म करने वाले पापी को नोटों से भरी पोटली, आखिर क्यों? इस पर यमराज ने उस भले व्यक्ति को बताया कि पुत्र तुम गलत सोच रहे हो, जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी वास्तव में वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था। तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तन हो गई। इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो पुत्र इसके भाग्य में राजयोग्य था जो कि इसके दुष्ट कर्म और अधर्म के कारण एक छोटे से धन की पोटली में परिवर्तित हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन को कथा सुनाने के बाद कहते हैं, पार्थ अब तुम्हें तुम्हारे प्रसन्न का उत्तर मिल गया। ऐसा सोचना कि भगवान उसके अच्छे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहा है, ये बात मनुष्य की समझ में नहीं आती। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आप पर सदा बनी रहती है, अतः आपको अच्छे कर्मों को करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल भी इसी जन्म में ही मिलता है। मित्रों, एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते रहते थे और लोगों को उपदेश देते थे। इसी यात्रा के दौरान एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में पहुंचे। गांव के लोग उनके दर्शन करने और प्रवचन सुनने पहुंच रहे थे। कुछ ही दिनों में क्षेत्र के काफी लोग बुद्ध के उपदेश सुनने आने लगे। तभी एक दिन वहां एक महिला पहुंची। उसने बुद्ध से पूछा कि आप तो किसी राजकुमार की तरह दिखते हैं, आपने युवावस्था में ही संन्यास क्यों धारण कर लिया? बुद्ध ने कहा कि मैं तीन प्रश्नों के हल ढूंढना चाहता हूं, इसलिए मैंने संन्यास लिया है। बुद्ध आगे बोले कि हमारा ये शरीर अभी युवा और आकर्षक है, लेकिन ये वृद्ध होगा, फिर बीमार होगा और अंत में मृत्यु हो जाएगी। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु, इन तीनों के कारण जानने थे। इन तीन प्रश्नों के हल मुझे खोजने थे। बुद्ध की ये बातें सुनकर महिला बहुत प्रभावित हो गई और उसने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही ये बात गांव के लोगों को मालूम हुई तो सभी ने बुद्ध से कहा कि वे उस स्त्री के यहां न जाए, क्योंकि उसका चरित्र सही नहीं है। बुद्ध ने गांव के सरपंच से पूछा कि क्या यह बात सही है। सरपंच ने भी गांव के लोगों की बात में अपनी सहमति जताई। तब बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़कर कहा कि अब ताली बजाकर दिखाओ। इस पर सरपंच ने कहा कि यह कैसे संभव है, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती है। बुद्ध ने कहा कि सही है,
ठीक इसी तरह कोई महिला अकेले ही चरित्रहीन नहीं हो सकती है। अगर इस गांव के पुरुष चरित्रहीन नहीं होते तो वह महिला भी चरित्रहीन नहीं होती। गांव के सभी पुरुष बुद्ध की यह बात सुनकर शर्मिंदा हो गए। बुद्ध ने कहा कि अगर हम अच्छा समाज बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद को सुधारना जरूरी है। अगर हम सुधर जाएंगे तो समाज भी बदल जाएगा। हम बुराइयों से बचें, यही सुखी जीवन की सीख है। अधिकतर कहा जाता है कि अच्छे के साथ बुरा होता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो वास्तव में होता क्या है कि यदि आप अच्छे हो तो जितने ज्यादा अच्छे आप होंगे उतना ही आपको दूसरों पर दया आएगी। आपका मन करेगा कि आप सबकी मदद करें, आपको सबके लिए बुरा लगेगा, और जितना ज्यादा ऐसा होगा जाहिर सी बात है आप उतने ज्यादा दुखी रहेंगे। अब क्योंकि आप अच्छे हो तो आपका मन तो करेगा सबकी मदद करने का, दूसरों के लिए दया करुणा का, लेकिन साथ ही मन में एक इच्छा भी जागृत होने लगती है कि मैंने सबके साथ अच्छा किया, सबका भला किया, सबकी मदद की, सबका अच्छा सोचा, तो सब भी मेरे लिए ऐसे ही अच्छे होंगे। क्योंकि आप अच्छे हो आपको लगता सामने वाला भी अच्छा ही होगा, लेकिन जब जरूरत पड़ने पर सामने वाला अपनी अच्छाई आपके लिए ना दिखाए तो जाहिर सी बात है बुरा लगेगा। क्योंकि जैसे एक चोर को सब चोर लगते हैं, एक झूठे को सब झूठे नजर आते हैं, बस ऐसे ही एक अच्छे इंसान को सब अच्छे नजर आते हैं जो कि होता नहीं है। और बस यही सबसे बड़ा कारण है कि अच्छे के साथ हमेशा बुरा होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कर्मफल हाथों हाथ मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक कक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आप पूरी साल मेहनत करते हैं और परिणाम आपको अंत में मिलता है। पूरे वर्ष के बाद आपको पता चलता है कि आप अगली कक्षा में जा रहे हैं, अथवा आपको इसी कक्षा में रहते हुए सारी पढ़ाई वापस करनी होगी। उसी प्रकार एक जन्म में किए गए सभी कर्मों के अनुसार आपका अगला जन्म और उस जीवन में मिलने वाले सुख दुख का निर्धारण होता है। इसलिए ये देखकर बिल्कुल भी चिंता ना करें कि अच्छे कर्म करने वालों को दुख मिल रहे हैं और बुरे कर्मों वाले ऐश कर रहे हैं। हम सभी अपने पिछले जन्म के कर्मों के फल भोग रहे हैं, और जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल हमें अगले जन्म में मिलेंगे। जो इस बात को जानते और मानते हैं वे दुखों के बाद भी कभी सच्चाई और अच्छाई का दामन नहीं छोड़ते हैं, और दूसरे जल्द से जल्द और अधिक से अधिक के लालच में गलत काम करते रहते हैं। यही कारण है कि कभी कभी हम ऐसे बालकों को भी देखते हैं जिनका जन्म ही मानो पीड़ा झेलने के लिए हुआ हो। गर्भ से ही विक्षिप्त रूप से पैदा हुए बालक जो केवल अस्पताल में सुइयों की पीड़ा झेलने ही आते हैं और अपनी बकाया सजा झेलकर चले जाते हैं। देखिए, ये जीवन जो हमें आपको या अन्य को मिला है, इसमें सुख दुख का समावेश होना लाजमी है और स्वाभाविक भी। या यूं कहें कि सुख और दुख जीवन के दो पहलू ही हैं, जिनमें सुख और दुख का क्रमानुसार आते रहना आवश्यक ही नहीं बल्कि अपरिहार्य भी है। वास्तव में हमेशा ऐसा होता नहीं कि जो हमें दिखाई दे वो हर बार सही ही हो। कई बार हमारी आंखें भी वास्तविकता देख नहीं पाती और हम सदा सर्वदा भ्रम में उलझे रहते हैं। परिणाम स्वरूप हमें दुख ही हासिल होता है, तथा यह कोई जरूरी नहीं कि जो कर्म हम अच्छा सोचकर किए जा रहे हैं वो सदैव अच्छा ही हो। जीवन में दुख का कारण सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि हम कर्म से ज्यादा उसके फल की चिंता करते हैं, जबकि हमारा अधिकार मात्र कर्म तक ही सीमित है। फल का अधिकार तो हमारे वश में है नहीं। हाँ, कई बार हम अपने आसपास यह देखते तो जरूर है कि अमुक व्यक्ति के कर्म अच्छे रहते हैं पर उन्हें दुख की प्राप्ति होती है, मगर हम उनके द्वारा किए गए कुछ ऐसे कर्मों से पूर्णतया अनभिज्ञ और अनजान होते हैं जो उनने किए होते हैं। तथा हमें यह भी स्वीकारने में कतई संकोच नहीं करना चाहिए कि आज के दुखों का परिणाम पूर्व जन्म के कर्म भी हो सकते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति था जिसका नाम माधव था। माधव के परिवार में उसके अलावा उसकी धर्म पत्नी और 3 बालक थे। उसकी अपनी कोई जमीन नहीं थी, दूसरे के खेतों में दोनों पति पत्नी मजदूरी करते थे, जिसके बदले में बहुत ही कम अनाज और थोड़े से पैसे मिलते थे, जिससे बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा होता था। वो एक छोटी सी झोपड़ी में वे रहते थे जो अब काफी पुरानी और जर्जर हो चुकी थी। माधव पेड़ काटकर थोड़े थोड़े पैसे जमा करता था ताकि कुटिया के बगल में नया मकान बना सके। पाई पाई जोड़कर किसी तरह उसने एक कमरे का पक्का मकान बनवाया। पत्नी और बच्चे खुश थे कि अब उनका अपना पक्का मकान है। गृह प्रवेश हेतु माधव दूसरे गांव से पंडित जी को बुलाने गया, जिसमें उसे शाम हो गई। इसी बीच उसके गांव में जोरों का आंधी तूफान आया जिसमें उसका मकान गिर गया।
लेकिन मकान के बगल में उसकी झोपड़ी नहीं गिरी क्योंकि मकान की दीवार ने उसका बचाव कर दिया था। गांव भर के लोग इकट्ठा हुए और अत्यंत दुखी हुए। बेचारे माधव ने एक एक पाई जोड़कर मकान बनाया और उसे भी ईश्वर ने गिरा दिया। हमेशा अच्छे और सच्चे लोगों के साथ ही बुरा होता है, यह बात सब सोच रहे थे। माधव भी थोड़ी देर में पंडित जी के साथ वहां पहुंचा और मकान को गिरा देखकर खुश हो गया और ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। सारे लोगों ने सोचा, शायद दुख में बावला हो गया है बेचारा। पंडित जी सब कुछ देख सुन रहे थे। उसने माधव से कहा, जिस ईश्वर ने तुम्हारा मकान गिरा दिया, जिसे तुमने बहुत मेहनत से बनवाया था, फिर भी तुम उन्हें धन्यवाद क्यों कह रहे हो? माधव ने कहा, मकान के बगल में मेरी कुटिया सही सलामत है, क्योंकि मकान दूसरी तरफ से गिरा है। ये चमत्कार ईश्वर के अलावा कौन कर सकता है? इतने बड़े तूफान में भी मेरी पत्नी और बच्चे सुरक्षित हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? और अगर इस मकान में रहने के उपरांत ये तूफान आता तो अच्छा ही है। जो लिखी होनी तो हुई, परंतु मेरे ईश्वर ने हम सबकी अनमोल जान बख्श दी। पंडित जी माधव की बात से गदगद हो गए। वाह, कितनी गहरी बात कर दी तुमने। दरअसल प्रभु तो नेक लोगों के बड़े नुकसान रोककर उसे मामूली से नुकसान में बदल देते हैं, फिर भी अज्ञानतावश हम उन्हें दोषी करार दे देते हैं। एक पत्थर की चोट पर हम ईश्वर को दोषी बता देते हैं, जबकि एक पर्वत जैसी समस्या को वो छोटे से पत्थर में परिवर्तित कर देते हैं। प्रत्येक प्राणी अपने पूर्व कर्मों का फल भोगता है, लेकिन सच्चे और नेक लोगों के कष्ट ईश्वर कम अवश्य करता है। ये कर्म भूमि है, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। दुख और सुख दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। जिंदगी में इन दोनों का सिलसिला चलता ही रहता है। अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो उसके साथ अच्छा होता है, और इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति बुरे कामों को अंजाम देता है तो उसके साथ बुरा होना स्वाभाविक है। हालांकि कभी कभार अच्छे कर्मों को अंजाम देने के बावजूद अक्सर इंसान के साथ बुरा ही होता है, जबकि किसी बुरे इंसान की जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही होता है। अब सवाल ये आता है कि यदि किसी जीव को उसके कर्मों के आधार पर उसका फल मिलता है, तो फिर ऐसा होने के पीछे क्या कारण है? मित्रों, कहीं ना कहीं आपका भाग्य आपके पूर्वजों के कर्मों से जुड़े हुए हैं। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रत्येक इंसान का भाग्य उसके पारिवारिक कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपके पूर्वज अपने जीवन काल में किस तरह के काम किए हैं, उसके आधार पर भी कुछ हद तक आपका भाग्य निर्भर करता है। इसी के चलते आपने देखा होगा कि कुछ लोग दुष्ट प्रकृति के होने के बाद भी उनके साथ सब कुछ अच्छा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भूतकाल में उसके पूर्वजों ने निश्चित रूप से अच्छे काम किए होंगे। इसके विपरीत सीधे सादे भले लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि शायद उनके पूर्वजों ने किसी का दिल दुखाया होगा या कुछ बुरा किया होगा। हालांकि इसके साथ ही सबसे बड़ा सत्य यह है कि इन सारी चीजों से इंसान को कभी भी बेहद खुश या विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंत में इंसान के खुद के कर्म से उसके भाग्य का निर्धारण होता है। जो जैसा बोएगा वो वही काटेगा। अपने कर्मों का फल इंसान को निश्चित रूप से मिलता है, बस सही समय का इंतजार करना होता है। एक आम निष्कर्ष तो यही है कि अगर आप शेर को नहीं छेड़ते तो इसका मतलब यह नहीं कि शेर भी आपको नहीं खाएगा। तो फिर क्या यह संसार हमेशा से इसी तरह संचालित होता आया है? शायद हां। इससे जुड़ी एक रोचक कहानी है। एक बार किसी जंगल में एक लड़का नदी किनारे घूम रहा था, तभी उसने एक दुखी और हताश स्वर में किसी के रोने की आवाज सुनी। उसने देखा कि एक मगरमच्छ जाल में उलझा हुआ है और मदद के लिए पुकार लगा रहा है। वह लड़का उसकी मदद करना चाहता था, परंतु उसे उस पर संदेह भी था। मगरमच्छ ने कहा, कृपया मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, मुझे रिहा कर दो। लड़के ने कहा, अगर मैं आपकी मदद करता हूं तो आप आजाद होते हुए ही मुझे खा लेंगे। मगरमच्छ ने रोते हुए कहा, मैं उस व्यक्ति को कैसे खा सकता हूं जिसने मेरी जान बचाई? इस विशाल वन में बहुत से जीव जंतु हैं जिन्हें मैं खा सकता हूं। आप विश्वास रखें, मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा और सदैव आपका ऋणी रहूंगा। लड़के को दया आ गई और उसने जाल काटना शुरू कर दिया। जैसे ही मगरमच्छ का सिर जाल से बाहर आया तो उसने लड़के के पैर को अपने जबड़े में जकड़ लिया। मगरमच्छ ने कहा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, तुम एक अच्छे शिकार हो। लड़के ने कहा, यह क्या बकवास है, लानत है तुम पर, मेरी भलाई का अच्छा सिला दे रहे हो तुम। मगरमच्छ ने कहा, मैं क्या कर सकता हूं,
यही दुनिया का दस्तूर है। लड़के ने रोते हुए कहा, यह तो पूर्णतः अनुचित है, यह अन्याय है। मगरमच्छ ने कहा, अनुचित से क्या मतलब है तुम्हारा? किसी से भी पूछ लो, वे तुम्हें बताएंगे कि यह संसार कैसे संचालित होता है। अगर वे मुझे गलत साबित करते हैं तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लड़के ने पास के पेड़ पर एक पक्षी को देखा और उससे पूछा, क्या आपको लगता है कि मगरमच्छ की हरकतें उचित हैं? क्या यही दुनिया का तरीका है, अन्याय से भरा हुआ? वह पक्षी पूरी घटना को देख रही थी। उसने तुरंत जवाब दिया कि मगरमच्छ सही है। उसने बताया कि कैसे उसने बहुत मेहनत से एक घोंसला बनाया और अपने अंडे दिए, और फिर एक दिन एक सांप ने आकर सारे अंडे निगल लिए और उसकी मेहनत बेकार चली गई। उसने कहा कि निसंदेह यह दुनिया एक उचित जगह नहीं है। इतना कहकर वह उड़ गई। मगरमच्छ ने कहा, सुना तुमने? यह कहकर मगरमच्छ ने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। लड़के ने कहा, रुको। लड़के ने पास ही एक गधे को चरते देखा और उससे भी वही प्रश्न किया। गधा ने कहा, दुर्भाग्य से मगरमच्छ सही है। जब मैं छोटा था, मेरे मालिक ने मेरी पीठ पर बोझ लाद दिया था और मुझसे अधिकतम काम लिया। मैंने उसे वर्षों तक ईमानदारी से सेवा दी। अब जब मैं बूढ़ा और कमजोर हो गया तो उसने मुझे यह कहते हुए मुझे जंगल में छोड़ दिया कि वह मुझे खाना नहीं दे सकता। अब कभी भी कोई शेर मुझे अपना शिकार बना सकता है। तो हां, मगरमच्छ सही है। इस संसार में बहुत अन्याय, असमानता और अनुचितता है। मगरमच्छ ने कहा, अब बहुत हो गया, मुझे भूख लगी है। तुम ईश्वर से अपनी अंतिम प्रार्थना कर लो। लड़के ने कहा, मुझे एक अंतिम अवसर दो, मुझे उस खरगोश से भी यह पूछने दो। मगरमच्छ ने कहा, तुमने मुझे बचाया है, मैं तुम्हें एक अंतिम मौका देता हूं। सवाल पूछे जाने पर खरगोश का जवाब पक्षी और गधे से पूरी तरह से अलग था। खरगोश ने कहा, यह पूरी तरह बकवास है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, दुनिया एक पूरी तरह से उचित जगह है। मगरमच्छ ने कहा, यह क्या बकवास है मूर्ख खरगोश, बेशक यह दुनिया एक अनुचित जगह है। मुझे देखो, मैं बिना किसी गलती के इस जाल में फंस गया था। खरगोश ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुंह में पान रखकर बातें कर रहा हो, स्पष्ट और जोर से बोलो। मगरमच्छ ने कहा, मैं तुम्हारी चालाकी समझ रहा हूं, मैं स्पष्ट रूप से बोलने के लिए अपना मुंह खोलूंगा और लड़का बच जाएगा। खरगोश ने कहा, तुम मूर्ख हो या क्या? क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी पूंछ कितनी मजबूत है? यदि वह भागने की कोशिश करता है तो वह मर जाएगा। तुम यहां के आसपास के सबसे ताकतवर जानवर हो। मगरमच्छ इस झूठी प्रशंसा से खुश हो गया और तर्क जारी रखने के लिए अपना मुंह खोल दिया। खरगोश ने चिल्लाते हुए कहा, भागो लड़के भागो, दूर भाग जाओ। और लड़का आजाद होते ही पूरी ताकत लगाकर भाग गया। मगरमच्छ ने कहा, धोखेबाज, तुमने मेरा खाना छीन लिया, यह बहुत अनुचित है। खरगोश ने कहा, उचित अनुचित की बात तुम ना ही करो तो बेहतर होगा। लड़का गांव भाग गया और सभी पुरुषों को इकट्ठा कर लिया, जो अपने भाले और तलवार लेकर आए और मगरमच्छ को मार डाला। उनका पालतू कुत्ता जो उनके साथ आया था खरगोश को देखा और उसका पीछा किया। अरे अरे, लड़का चिल्लाया और अपने कुत्ते को पकड़ने की कोशिश की। इस खरगोश ने मेरी जान बचाई है, उस पर हमला मत करो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, कुत्ते ने खरगोश की कोमल गर्दन में अपने नुकीले दांत दफन कर दिए थे। खरगोश अब फर की बेजान गेंद से ज्यादा कुछ नहीं था। लड़के ने कहा, शायद मगरमच्छ सही था। दुनिया अनहोनी और अनिश्चितता से भरी हुई है, यही जीवन है। आप कितने आध्यात्मिक या अच्छे हैं, इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि आपको कितना कष्ट सहना होगा। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है, उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। यम के न्याय में किसी भी पाप की सजा से बचा नहीं जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने दृष्टि में जो सबसे मोटा पाप है वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी, तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। श्री कृष्ण ने उस समय समय ही यह घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे मोटा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया
और शाप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे। यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करोगे। भ्रूण की हत्या करने वाले के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है। कर्म का शाब्दिक अर्थ यह कुछ को कमजोर और कुछ को मजबूत बनाता है, यह कुछ को अमीर और कुछ को गरीब बनाता है। संसार में जितने भी संघर्ष हैं, चाहे वे कुछ भी हों, कर्म के बंधन हैं। अच्छी या बुरी चीजें कर्म के आधार पर होती हैं। जब समय अच्छा हो तो दुश्मन भी दोस्त जैसा व्यवहार करते हैं और समय की अपनी भूमिका होती है। तो यह आपकी नींद, आपके मन की शांति छीन लेगा और यह आपके स्वास्थ्य को नष्ट कर देगा। मन में कोई बात चुभेगी। जब कोई बात मन को चुभती रहती है तो आप कुछ भी रचनात्मक नहीं कर पाते और दुखी हो जाते हैं। आपको दूसरों को धोखा क्यों नहीं देना चाहिए? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई आपको धोखा दे, है ना? जो कुछ भी आप किसी के साथ करते हैं वह आपके पास वापस आता है। यही कर्म सिद्धांत है, बहुत सरल। जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो आप उनके अच्छे कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं और जब आप किसी को दोष देते हैं तो आप उनके बुरे कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं। जब आप कोई मिठाई तैयार करते हैं, यदि खाना पकाने से पहले चीनी या घी बहुत कम है तो आप और डाल सकते हैं। यदि कोई अन्य घटक बहुत अधिक है तो इसे समायोजित और मरम्मत किया जा सकता है, लेकिन एक बार पक जाने के बाद इसे उल्टा नहीं किया जा सकता। दूध मीठा दही या खट्टा दही बन सकता है और खट्टा दही मीठा किया जा सकता है, लेकिन दोनों में से किसी को भी दूध का दूध नहीं बनाया जा सकता। कर्म का अर्थ है कि आपने स्वेच्छा से कार्य किया है। अच्छा बोगे तो अच्छा काटोगे और इसके विपरीत भी, जो कारण और प्रभाव के सार्वभौमिक रूप से ज्ञात सिद्धांत के अनुरूप है। अच्छे इरादों के साथ अच्छे कर्म अर्जित करते हैं और बुरे इरादों के साथ बुरे कर्म अर्जित करते हैं। बुरे इरादों के साथ अच्छे कर्म, दायित्व से बाहर कुछ करना लेकिन ऐसा करने का मन नहीं है, अच्छे कर्म अर्जित कर सकते हैं लेकिन कोई बुरा कर्म भी नहीं। एक राजा महान धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने एक बार ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण महान सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना और ना ही कोई मांग करता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत प्रसन्न था। उसने राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष गुजार दिए। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के यहां एक बेटा पैदा हुआ। राजा ने उसे महान विद्वान बनाया और मोटा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या के साथ करा दी। शादी करके जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में लाए, उस रात्रि में राजकुमारी को नींद न आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात वाली एक तलवार रखी हुई है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वह तलवार म्यान में से बाहर निकाली, तब तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वह डर गई। वह डर के मारे उसके हाथ से तलवार छूट गई और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे अचानक यह पाप कैसे हो गया? मेरे पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई, आप तो जानते ही हैं। परंतु मैं किसी को भी यह सच नहीं बता सकती हूं, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास भी न करेगा। सुबह जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू किया और इस प्रकार कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया। इतनी देर में सारे लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब आकर पूछने लगे, किसने मारा है? वह कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कि कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा था। राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा है, इसमें ईश्वर साक्षी है, बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं। ब्राह्मण की तो कोई बात ही नहीं सुनता था। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार विचार आता था कि यह ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु बहुतों के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राणदंड तो नहीं देता,
लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वह हाथ काटने का आदेश देता हूं। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और राजा को अधर्मी जान उस देश को त्याग कर चला गया। वहां वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध हाथ कटने का कारण उससे पूछूं। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह उनके घर पर पहुंचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गए थे। उसने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माता जी, आपके पति ज्योतिषी जी महाराज कहां गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य असह्य दुर्वचन कहे, जिनको सुनकर वह ब्राह्मण हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने अनेक दुर्वचन कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा। बाद में वे अपनी गद्दी पर आ बैठे। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने उनसे कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है? जो किसी से भी नहीं सहा जाता और आप सहन कर लेते हैं, इसका कारण क्या है? ब्राह्मण की बात सुनकर ज्योतिषी ने कहा, यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु, संबंधी, जो कुछ भी है, सब अपना कर्म ही है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म ही है, और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्, नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिस्तेरपि। अपना किया हुआ जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म है, वह अवश्य ही भोगना होता है। बिना भोगे तो सभी जन्मों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूं और अपनी स्त्री की शिकायत भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल भोगना बाकी ना रहे। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज, आपने क्या कर्म किया था? ज्योतिषी ने कहा, सुनिए, पूर्व जन्म में मैं कौआ था और मेरी स्त्री गद्दी थी। इसकी पीठ पर फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से यह बेडढ़ी दुखी थी और कमजोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बहुत दुष्ट था, इसलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मारकर इसे ज्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण यह कूदती थी तो इसकी परेशानी देखकर मैं बहुत खुश होता था। मेरे डर के कारण यह सहसा बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता था। यह जहां मिले वहीं इसे दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त होकर यह गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहां गंगा जी के किनारे सघन वन में हरा हरा घास खाकर और मेरी छोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा और वहां इसे देखते ही मैं इसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच न छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बहुत प्रयत्न किया, मगर न निकली। पानी के भय से ही यह दुष्ट मुझे छोड़ देगा, ऐसा सोचकर यह गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच निकाल ना पाया। आखिर में यह घने प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं महान भारी ज्योतिषी बना। अब वही मेरी स्त्री हुई, जो मेरे मरण पर्यंत अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूंगा, इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह किए हुए कर्मों का ही फल है, इसलिए मैं शांत रहता हूं। तब ज्योतिषी ने कहा कि सब अपने कर्मों का ही बोलते हैं। तब ज्योतिषी ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी क्या समस्या है? ब्राह्मण ने अपना सब समाचार कहानी सुनाई और पूछा, अधर्मी पापी, राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। तब ब्राह्मण ने कहा, किस प्रकार? तब ज्योतिषी महाराज ने बताया कि पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गौ थी तथा राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गौ को मारने लगा, तब गौ बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय आई थी क्या? आपने प्रण कर रखा था कि झूठ नहीं बोलूंगा। अतः जिस तरफ गौ गई थी उस तरफ आपने हाथ से इशारा किया तो उस कसाई ने जाकर गौ को मार डाला। गंगा के किनारे वह उसकी चमड़ ही निकाल रहा था।
इतने में ही उस जंगल से शेर आया और गौ एवं कसाई दोनों को खाकर गंगा जी के किनारे ही उनकी हड्डियां उसमें बह गईं। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गौ को राजकन्या का जन्म मिला एवं पूर्व जन्म के किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया, क्योंकि कसाई ने गौ को हंसिए से मारा था। इसी कारण राजकन्या के हाथों अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा रूप कर्म किया था, उस पाप कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया है। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं, ऐसा निश्चय कर सुखपूर्वक रहो। कर्म फल का भोग टलता नहीं, कितना सहज है ज्ञान संयुक्त जीवन। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें और जान लें, तो पूर्वकृत गौर से गौर कर्म का फल भोगते हुए भी हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने चित्त की समता बनाए रखने में सफल होंगे। भगवान श्री कृष्ण इस समत्व के अभ्यास को ही समत्व योग संबोधित करते हैं, जिसमें दृढ़ स्थिति प्राप्त होने पर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा। मिलते हैं ऐसी ही नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में।